मुरादाबाद के थाना मोड़ापांडी क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां पर दबंग रामपाल व हरिओम ने प्रार्थनी के पति सतपाल को फोन करके कहा कि मोड़ापांडे मेले में आ जाओ और अपने काम के पैसे ले लो। प्रार्थनी का पति उक्त लोगों द्वारा बुलाने पर मोड़ापांडे मेले में पहुंच गया। इसके बाद रामपाल व हरिओम प्रार्थनी के पति को मोड़ापांडे में छोड़कर प्रार्थनी के घर पर पहुंच गए। बता दें कि उस समय घर में प्रार्थनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ सोई हुई थी। तभी उक्त दोनों युवक महिला की गणपटी पर तमंचा सटाकर बाल पकड़कर उठाकर जंगल में ले गए। महिला ने बताया कि फिर हरिओम ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। प्रार्थनी अपनी जान बचाकर भागकर अपने घर पर पहुंची। दोनों दबंगों ने प्रार्थनी को धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। जब प्रार्थनी का पति मेले से वापस घर आया तब प्रार्थनी ने अपनी सारी बातें अपने पति को बताई। इसके बाद इस मामले की जानकारी मोड़ापांडे में लिखित रूप में दी गई। लेकिन प्रार्थनी के पति सतपाल का आरोप है कि मोड़ापांडे पुलिस की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब पीड़ित परिवार ने मोड़ापांडे पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए SSP मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि कब तक पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर लगाता रहेगा या इस पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिलेगा। मम्मी कर ली थी, एक खाट पे सो रही थी। अब वे आए थक मुझे तमंची नुक पे मुझे मार कर ले गए जंगल में। दूरी हैगा भी हैगी जंगल में, ले जाकर मुझे वहाँ पे मेरे साथ में उनने 9:30 का टाइम था। इस खिलाफ सही से सही सजा मिले उन्हें, ये चाहती हूँ। क्या घटना घटी है? घटना घटी है मेरी पत्नी के साथ में। मैं जो मेरी पत्नी बोली कि बच्चे मेले गए तुम बुला के ले आओ। उसके बाद मैं बुलाने चला गया। फिर मैं 10:30 के टाइम पर मैं लौट के आया तो मेरी घरवाली जो है रो रही थी एकदम मेरी पूरी भर के। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। वो बोली ऐसा ऐसा बात है, दो व्यक्ति आए थे और उनका नाम मैंने किया अच्छा कौन पहचाने हैं। तो बोली हाँ मैंने पहचाने हैं। उन्होंने नाम बताया थाने में जाके, नन्ने और हरिओम, ये दो जने तमंचे की नोक पे मेरे घरवाली को लेकर गए। एप्लीकेशन हमने दी थी जाके, उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जंगल में मेरी बीवी को जंगल में लेकर गए थे तमंचे की नोक पे। दुष्कर्मी घटना को अंजाम दिया। क्या चाहते हैं आप उनके खिलाफ? उनके खिलाफ उन्हें जो करेगी उन्हें सजा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए।